हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फ्रैंकलिन ने बताया था कि जब दो वस्तुओं को घर्षण किया जाता है तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता था। वहां पर एक आवेश उत्पन्न हो रहा था धनावेश तथा दूसरा ऋणावेश उत्पन्न हो रहा था। लेकिन फ्रैंकलिन के परिभाषा से ही नहीं क्लियर होता कि किसमें धनावेश होगा और किसमें ऋणावेश, फ्रैंकलिन ये नहीं बता पाए थे। तो आज हम जानेंगे कि धनावेश किसे कहते हैं, ऋणावेश कैसे कहते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, इसका धनावेश किसे कहते हैं, ऋणावेश जानने के लिए विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहले विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। देखिए, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो पदार्थ होता है वो प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है और परमाणु में तीन मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो परमाणु का धन आवेश होता है वो उसके नाभिक पर एक केंद्रित होता है, जहां पर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और जो ऋण आवेश होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जो क्या करता है, परमाणु के बाहरी कक्ष में चक्कर लगाया करता है, इतना हम जानते हैं। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन जो होता है धन आवेश होता है, इसके बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण जो है ऋण आवेश जो इलेक्ट्रॉन होता है और जो धनावेश प्रोटॉन होता है वो एक दूसरे को बांधे रखता है, इस कंडीशन पर होता है। मान लेते हैं दो वस्तुएं हैं, एक ये आपका वस्तु है और एक ये वस्तु है, तो इतना कंडीशन होता है। अब इसमें देखिए, इसमें इसके केंद्र पर और इसके केंद्र पर क्या है, धनावेश है, यहाँ पर धनावेश होगा जहां पर प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसके कक्षाओं में होंगे। मान लेते हैं एक प्रकार का परमाणु, परमाणु से हम समझेंगे तमाम पदार्थों को समझेंगे। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 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 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ध्यान से समझिएगा, ये आपका विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है कि आवेश किस प्रकार से उत्पन्न हो जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, हमने बताया कि प्रत्येक पदार्थ में जो होता है प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश जो भिन्न होते हैं, फ्रैंकलिन ने बताया है कि जब दो आवेश मतलब विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अगर मान लीजिए समान प्रकार के आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो अपने कक्षाओं में सीमित है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच एक आकर्षण बल लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कक्षा पास में होगा उसके इलेक्ट्रॉनों के बीच और प्रोटॉनों के बीच आकर्षण बल प्रबल होगा। इसका मतलब क्या होगा कि पास नाभिक के पास वाले कक्षाओं में प्रबल बल के कारण इलेक्ट्रॉन बंधे रहते हैं, लेकिन जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दुर्बल नाभिकीय बल के कारण बंधे रहते हैं। तो जब ये क्या बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम दर्शा देते हैं, या आपके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसे हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अब क्या किया जाता है कि इन दोनों पदार्थों को आपस में घर्षण कराया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, यही मतलब जो है मेन टॉपिक है आपका, क्या किया जाता है, क्योंकि फ्रैंकलिन ने बताया कि जब दो आवेशों को घर्षण किया जाता है तो उनके बीच में क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है घर्षण कराने से। तो घर्षण कराने से आवेश किस प्रकार उत्पन्न हो जाता होगा, तो इसको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये दो पदार्थ हैं जिनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन हैं। क्या हुआ कि इन दोनों पदार्थों को जब घर्षण किया जाएगा तो यह इलेक्ट्रॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉन जो बाह्य गतिज ऊर्जा पाकर के उत्तेजित हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये क्या है, दुर्बल नाभिकीय बल से जुड़े हुए हैं। अब ये कमजोर बल से जब जुड़े हुए हैं तो जैसे ही क्या किया जाएगा, इनको घर्षण कराया जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है ये बाह्य ऊर्जा प्राप्त करके क्या हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हो जाएगा कि इसका बल जो है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ उत्तेजित होकर के दूसरे पदार्थ में चला जाएगा, दूसरे पदार्थ में चला जाएगा और उस पदार्थ में अपना स्थान ज्वाइन कर लेगा। तो जैसे ही यहां से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के दूसरे पदार्थ में जाता है, जैसे ही यहां पर क्या हो जाता है, मतलब जो है एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, यहां पर जो इस पदार्थ में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा और इस पदार्थ में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगा, इलेक्ट्रॉनों की इसमें क्या होगा, जैसे जितने इलेक्ट्रॉन थे एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो अधिकता नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों का
अधिकता होगा। ध्यान से समझिएगा कैसे वो अभी उत्पन्न हो जाएगा यहाँ पर आवेश। क्या हुआ कि जैसे ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें इस पदार्थ को ज्वाइन किया, वैसे ही इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का जो आपका यहाँ पर कमी हो गया। जब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा तो आप जानते हैं किसी भी पदार्थ में जो पदार्थ होता है वो उदासीन होता है। जब वो उदासीन हो कब होगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन धन आवेश और ऋण आवेश की मात्रा बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण क्या जाता है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की जैसे ही कमी होती है वैसे इसमें ऋण आवेश की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या जाता है, यह जो पदार्थ है वो क्या जाता है, धनावेशित हो जाता है। ये पदार्थ क्या जाता है, धनावेशित। क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन और जितना इलेक्ट्रॉन बचा उतना प्रोटॉन में लगकर के उदासीन किए, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ उतने धनावेश क्या हुआ, जो प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है, जिसके कारण क्या लगा, ये धनावेशित हो जाएगा। और इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण यहाँ धन आवेश और आवेश की संख्या बराबर था, उदासीन था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें ग्रहण किया इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गया, अधिक हो गया, जिसके कारण जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गया तो यह क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हुआ, धनावेशित हो गया। और ये आपका क्या हो गया, ऋणावेशित। इस प्रकार से इस प्रक्रिया से यह स्पष्ट होता है, इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जो धनावेश और ऋणावेश का परिभाषा यहां से जो निकल करके आ रहा है वो आपका यह है कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वो धनावेशित होता है, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो ऋणावेशित होता है। इस प्रयोग के आधार पर, विद्युत आवेश के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर ही पता चला कि धनावेश किसे कहते हैं और ऋणावेश किसे कहते हैं। धनावेश किसे कहते हैं, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है उसे हम क्या कहते हैं, धनावेशित पदार्थ कहते हैं, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है उसे हम क्या कहते हैं, ऋणावेशित पदार्थ कहते हैं। तो इस प्रयोग के आधार पर हमें पता चला कि धनावेश किसे कहते हैं, ऋणावेश किसे कहते हैं। अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।